नमस्कार। आज हम बताने जा रहे हैं बहुत ही चमत्कारी उपाय जो कि एकदम 100% सत्य है। इसको आज करना और कल बताना मुझे, ठीक है? उससे पहले मैं बता दूं एक खुशखबरी कि सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक हम और हमारी टीम आपके लिए अब सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का आपके लिए हम समर्पित हैं। आप कोई भी प्रश्न पूछिए, कोई जानकारी पूछिए, उसका समाधान देंगे और कारण बताएंगे, किस कारण है, और निवारण बताएंगे, वो भी निःशुल्क, क्योंकि हम और हमारा जो संस्थान है वो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, निःशुल्क सेवा के लिए वचनबद्ध है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं किसी प्रकार की सामग्री या कोई चीज जो हमारे क्षमता से बाहर है, वो सामग्री कोई निःशुल्क नहीं है। आप पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना के कोई भी चीज हमारे यहाँ करवाते हैं, वो आप आइए, खुद बाहर से लेकर आइए, मैं करवा दूंगा। जो दक्षिणा होगी देना होगा दीजिएगा, ना देना होगा मत दीजिएगा, क्योंकि निःशुल्क सेवा है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं आप कल्पना नहीं कर पाओगे, कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये चीज ऐसे भी होती है। ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई यंत्र, ना कुछ, सिर्फ ऊर्जा का खेल है और नीम के पेड़ के पास जाना है। नीम के पेड़ के पास आप एक लाल रंग का, जैसे मैंने कुर्ता पहना है इसी तरीके एक लाल कलर का, जैसे हाथ में पट्टी बांधते हैं इतनी चौड़ी 4 अंगुल की, अपने सर बराबर कपड़ा की पट्टी एक निकाल लेना। निकालने के बाद उसके ऊपर लिखना ओम श्री राधा, फिर आगे लिखना ओम श्री सीता, फिर आगे लिखना ओम श्री गौरा, फिर आगे लिखना सर्वशक्ति सर्वशक्ति आकर्षाय आकर्षाय। ये सिंदूर से लिखना, चमेली के तेल में थोड़ा सिंदूर मिला के लाल सिंदूर से लिख देना। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आपको हल्दी छिड़क देना। ये शुक्रवार को करना है, किसी भी शुक्रवार को। आइए, कपड़ा ले जाके जैसे हाथ में पट्टी बांधते उस तरीके से कोई पूजित जिसपे पूजा किया जाता हो, नीम के पेड़ पर डाल पर ऐसे ऐसे बांध दें। रात को बांधने के बाद एक कलावा मौली जिसे कहते हैं, ये ऐसे वो बांध दें, ठीक है? अब ये 40 दिन वहीं बंधा रहेगा, आप नोट कर लेना। प्रतिदिन जाना है, उस कपड़े को देखना है, वहां पे धूप बत्ती लगा के गुड़ का शरबत उस नीम के पेड़ पे दे देना है। ध्यान रहे, 10-12 दिन के अंदर हो सकता है आपको वहां कुछ चमत्कार देखने को मिले, लेकिन उस चमत्कार से किसी प्रकार से आपको संपर्क नहीं करना है, ना इशारों से, ना बात से, ना चीज से। आप अपना काम करते रहिए। 40 दिन बाद 41वें दिन आप वो कपड़ा धूप दीप भोग देके, भोग यही गुड़ का शरबत, वो कपड़ा उतार लाना है। उस कपड़े को एक नीम की डाल इतनी सी लेना, जैसे दातून करने वाला होता है उसी पे ऐसे लपेट लपेट के फिर कलावा से बांध कर एक बंडल टाइप का कपड़े में किसी, उसके बाद उसके ऊपर से कोई कपड़ा लपेट के रख लेना, ठीक है? जब भी कोई काम पड़े, अपना निजी समाज का नहीं कर पाओगे, अपना विकट से विकट कोई काम पड़े, भयंकर मुसीबत आ रही है, कोई रास्ता ना सूझ रहा हो, इस डंडे को लेना जो मैंने आपने मंत्र लिखा इस पे लिखा है, यह 3 नाम बोलकर प्रणाम करके अपने सर पर से ऐसे लेके ऐसे जैसे ये प्रणाम करना और बोलना, हे माँ, हे त्रिशक्ति, मेरा ये अमुक कार्य है, अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसे आप जल्द से जल्द पूरा करें। ये करने के बाद इसको पूजा वाले स्थान पर रख दें कि जिस काम के लिए जाना हो, जो काम के लिए आप इनसे याचना किए हो, आप देखेंगे वो काम चुटकियों में होता है। इसको करें, लाभ उठाएं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आज बहुत जल्दी आप लोगों को रहती है, आपके भले की बात कर रहा हूं। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, ये तो बात अच्छी है, मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे ना। अरे अब देखो इनकी मुस्कुराहट और तेज हो गई। मैं यही चाहता हूं ऐसी मुस्कुराहट आपके होंठों पर बनी रहे, क्योंकि आप हमारे परिवार के एक सदस्य हैं। आपको बता दें कि कॉल सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक का हम
आपकी सेवा में रहते हैं। और कमेंट जिनका अभी मैंने काम किया है इस साल, एक साल में 2022 में जो हमारे आए थे, जिनका जिनका काम हुआ है वो कमेंट में जरूर लिखें। और कमेंट में जिनका सबसे कठिन काम था, जो कहीं से नहीं हुआ और यहाँ हमारी माता कालिका ने कर दिया, मेरी तो औकात नहीं करने की, मैं जीरो हूँ, पहले बता दूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं, मैं एकदम मूर्ख हूँ, जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का जो सहयोग है वही हमारी ताकत है। और दूसरा हमारी माता कामाख्या, माता तारा, हमारी दिव्य माता जो क्षण में काम करती है, वो माँ कालिका योगनिया वीर, हमारे वीरभद्र जी जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, मकर ध्वज, पाताल का कोई काम करना होता तो मैं मकर ध्वज, हनुमान जी के पुत्र इत्यादि से निवेदन करता हूं, वो मेरी बात सुन लेते हैं, बस इतना ही आता है मुझे। तो जिनको जो काम कराना होगा वो यहां आ सकते हैं। साथ ही कोई यहाँ पे दान अनुदान नहीं है, एक बार रजिस्ट्रेशन जरूर लगता है, जो आप लोगों के वैदिक फोन उठाते हैं उनकी तनख्वाह वगैरह निकालना रहता है, तो 500 रुपये एक बार, एक साल चाहे जय बार आइए, एक साल तक वो वैलिड रहता है। दूसरी बात, जो अच्छा कमेंट करेगा, जिसका अच्छा था, उसको हमारे यहाँ से 11,000 रुपये का एक दुर्लभ और चमत्कारी चीज वो 25 तारीख को यहाँ से रवाना कर दी जाएगी। उससे हम स्वयं मांग लेंगे उसका पता एड्रेस, क्योंकि जो काम कराने आते हैं उनका हम रजिस्टर लिखते हैं, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, तो हम जानते हैं कि फर्जी जो कमेंट करेगा, फर्जी कमेंट वालों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। जो रियल कमेंट करेगा उनका रिकॉर्ड मेरे पास रहता है, और जिस दिन मैं इसको गिफ्ट दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, और उनका जो रिकॉर्ड मेरे पास रहता है मैं उन सभी दर्शकों को भी दिखाऊंगा, क्योंकि जिसका मैं काम करता हूं उसका पूरा रिकॉर्ड रखता हूं, कब आया, क्या प्रॉब्लम थी, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है, क्या क्या पूजा में सामग्री लगी, कितना दक्षिणा दिया, सब लिखता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द से जल्द ऐसा कमेंट करें ताकि और लोगों को भी विश्वास हो। जय श्री राम।